जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी आईटीआई के बारे में। दोस्तों एमपी आईटीआई क्या कर रहा है दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा, लगता है ऐसा लग रहा है पागल हो गया है एमपी आईटीआई डिपार्टमेंट। आज दोस्तों आईटीआई ने बहुत ज़्यादा हद कर दिया है, छात्रों के साथ में बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है 14 अगस्त को। जैसा कि आपको पता होगा कि एमपी आईटीआई की मेरिट लिस्ट आने वाली थी 14 अगस्त को, लेकिन 14 अगस्त बीत गया और आज 15 अगस्त हो गया और अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग आईटीआई की रूल बुक के अकॉर्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो 14 अगस्त को आ जानी चाहिए थी, लेकिन दोस्तों आज 15 अगस्त को 10 बजे तक दोस्तों हमारी मेरिट लिस्ट अनाउंस नहीं की गई। दो या दोस्तों क्या हुआ था, 2019 और 20 में पहले लिस्ट रात को 7 से 9 बजे के बीच में अनाउंस कर दी जाती थी, लेकिन दोस्तों इस बार तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। और दोस्तों 2020 में क्या हुआ था, थर्ड राउंड की मेरिट लिस्ट रात को 11 बजे अनाउंस की गई थी, लेकिन दोस्तों इस बार रात को 11 बजे भी 14 अगस्त को अनाउंस नहीं की गई। ऐसा लग रहा था कि यार रात को 11-12 बजे तक आ जाएगी, लेकिन 11-12 बजे तक भी लिस्ट जारी नहीं की गई थी। और दोस्तों आज 15 अगस्त हो गए, 10:30 बजे तक लिस्ट नहीं आई। और दोस्तों जैसे ही लिस्ट आती है मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। SBI चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके रखिए ITI से संबंधित हर अपडेट को पाने के लिए। जैसी लिस्ट आती है सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस बार सच में ITI डिपार्टमेंट पूरा का पूरा पागल हो गया है, या तो इनका सर्वर खराब है या इनमें जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जो भी होगा वो हम देखते हैं, और ITI से संबंधित जो भी अपडेट होगी SBI चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाएगी। वीडियो को शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।